नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने साल 2026 में जापान के नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में योगा को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल करने का फैसला किया है, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु को जरा भी पसंद नहीं आया। वे इस फैसले से परेशान हैं और उन्होंने इसका विरोध जताते हुए कहा कि योगा को लंबे समय से आत्मविकास और आंतरिक विकास के लिए एक पावरफुल टूल माना जाता रहा है, जिसकी तुलना या किसी से इसका मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही हैं। मायावती ने आज सुबह यानी 11 सितंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा कि राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वे आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, जो कि पूरी तरह से गुमराह करने वाला बयान है। बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल उनकी सत्ता थी, तब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर SC ST का प्रमोशन में आरक्षण विधेयक पास नहीं किया। आपको बता दें, ना उन्होंने किया ना होने दिया, इस बात का प्रमाण है कि वे आरक्षण के विरोधी हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 26 देशों के 836 प्रदर्शक और 50,000 से अधिक विजिटर भाग ले रहे हैं। आयोजन का मकसद यूपी को सेमीकंडक्टर के निर्माण का हब बनाना है। राष्ट्र बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दायर किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द कर दिया था। इसी फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। यूपी में 17 IPS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नरेट में तैनात अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है। IPS प्रताप गोपेंद्र यादव को पुलिस अधीक्षक PTC मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। वहीं IPS अवधेश सिंह को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन में नियुक्ति दी गई है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को सिलेंडर रखकर पलटाने की साजिश की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को ADG GRP प्रकाश डी और DIG राहुल राज मुडेरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वे सिविल पुलिस और इज्जत नगर मंडल के अफसरों के साथ उन स्थानों पर भी गए जहाँ पुलिस और RPF के डॉग स्क्वाड गए थे। घटनास्थल का दौरा करने के बाद अधिकारियों ने साजिश से इनकार नहीं किया। सिलेंडर के साथ घटनास्थल पर जो वस्तुएं मिली वह सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। यूपी के बिजनौर में एक युवक पिछले 5 महीने से शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई जब लोगों को पता चली तो सभी के होश उड़ गए। पुजारी 6 साल पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू बना था। उसके बैग से कुछ तस्वीरें मिली थी जिनमें वो किसी दरगाह पर इबादत करता दिखा और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1090 चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने आइसक्रीम के ठेले और बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी। अनियंत्रित कार का टक्कर लगने के बाद आइसक्रीम ठेले के परखच्चे उड़ गए। हादसे में आइसक्रीम विक्रेता की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बदमाशों ने फायरिंग कर 2 महिला डांसरों का किडनैप कर लिया। उनसे जबरन डांस करवाया गया और बदमाशों ने डांसरों के साथ छेड़खानी भी की। पुलिस ने दोनों डांसरों को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाया। 6 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। इसी बीच पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को Washington DC में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा RSS पर जमकर हमला बोला, साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंधों पर भी बात की और वहीं भारतीय मतदाताओं और कमजोर लोकतंत्र से लेकर चीनी कब्जे के बारे में बहुत कुछ कहा। यहां तक कि अमेरिका में दखल देने पर जवाब भी दिया और पीएम मोदी की फटकार भी लगाई। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।